हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आई एम अरविंद कुमार, ठीक है ना। तो ये हमारा सेकेंड लेक्चर होने वाला है। कौन किसके लिए? मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल के लिए, ठीक है। तो हमने पहले लेक्चर में देखा था कि पार्टिकल का जो सिलेबस देखा था कि उसे कौन कौन सा पोर्शन आता है, ठीक ना, क्या कि हम लोग को पढ़ना है मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल में, ठीक है। अब इसमें जो हम लोग मेरा सेकेंड लेक्चर मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल का, तो अब सेकेंड लेक्चर है। तो इसमें जो पहला चीज़ हम लोग पढ़ना है लॉज ऑफ मोशन और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो आज हम लॉज ऑफ मोशन और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम हम लोग पढ़ने वाले हैं, और 2019 में, शायद 2019 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने वाले हैं, ठीक है, इन लास्ट लेक्चर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, ठीक। क्लास 9th से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो सर आइजैक न्यूटन थे, तो वो मोशन को समझने के लिए, ठीक ना, मोशन मोशन का स्टडी करने के लिए, समझने के लिए हम लोग को 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो वो लोग वो सब हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ बोलता है कि जब इफ एफ एक्ट, यहाँ पे 1 मिनट, जो फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है। अब जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि इफ इफ एफ नेट, इफ एफ नेट ऑन द पार्टिकल इज जीरो, देन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम मीन्स क्या होता है कि जहां पे एफ नेट जीरो हो, ठीक ना, तो मीन्स कोई पार्टिकल बैठे ना, जब एफ नेट जीरो होता है तो उसका जो मोशन होता है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है, कि मीन्स जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव करते रहेगा, या तो वो जो रेस्ट में, वो रेस्ट ही में रहेगा, कब तक, जब जब तक एफ नेट जीरो हो वो पार्टिकल पे, ठीक है। तो पहला लॉ था। अब सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, ठीक है। तो सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, ठीक है ना। तो इसको और पता है, इसको डीप पर पढ़ने वाले, बस अभी ओवर व्यू लोग देख रहे हैं इसका, ठीक है। और जो थर्ड लॉ बोलता है वो एक्शन रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। अब हम लोग ये भी देखने वाले कि एक्शन और रिएक्शन क्या होता है ना, किस एक्शन और रिएक्शन किस क्राइटेरिया पे, किस क्राइटेरिया से हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये एक्शन है वो रिएक्शन है, ठीक ना। तो ये सब हम लोग देखने वाले हैं, जो हम लोग क्लास 9th में सब पढ़ चुके हैं, हम लोग क्लास 9th से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक ना, और क्लास 11th में भी बहुत अच्छा डीप पे पढ़े, तो हम लोग एक बार फिर से ओवर भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है, उतार लें। ठीक है, अब
अब यहाँ पे हम लोग जो डी पे पढ़ना है वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है। अब ये क्या बोलता था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। ठीक है, मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग, कि मतलब कितना रेट से ये चेंज होगा वो क्या उतना ही रेट से ये भी चेंज होगा। ठीक है ना, वो फोर्स उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये चीज बोल रहा था। अब यहाँ पे हम लोग एक कांस्टेंट बैठा देने से प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट एक बैठाते हैं कि ठीक है। अब इफ k इक्वल्स टू वन तो हम लोग इसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। अब यहाँ पे डेल ये जो है चेंज इन मोमेंटम हो गया है मेरे पास। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम, अब यहाँ पे जब चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर है, फोर्स के बराबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम फॉर वेरी स्मॉल इंस्टेंट, फॉर वेरी स्मॉल टाइम हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ इक्वल्स टू डीपी अपॉन डीटी। ठीक है, तो बहुत स्मॉल टाइम के लिए हम लोग डीपी अपॉन डीटी लिख सकते हैं। ठीक है ना, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो उतार, अब ये हो गया। अब जो फोर्स था वो डीपी अपॉन डी टी था। ठीक है, अब ये जो फोर्स है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए डायरेक्शन, ठीक है ना, इसीलिए ऊपर वेक्टर साइन। ठीक है, अब यहाँ पे जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इक्वल्स टू एम बी होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम तो यहाँ पे वो रख दो एम बी, तो रखने पे यहाँ पे एम क्या होगा, एम एम बाहर है इसका डिफरेंशिएशन, एम डी बी अपॉन डी टी प्लस बी डी एम अपॉन डी टी। जो एक्चुअल सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो ये है, दिस इज आवर एक्चुअल सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और जो हम लोग बचपन से एफ इक्वल्स टू एम ए सब पढ़ते आ रहे हैं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए है। वो कंडीशन क्या है, इफ एम इक्वल्स टू कांस्टेंट, एम कांस्टेंट ले लेने से इसका मतलब डी अपॉन डी टी इक्वल्स टू जीरो, तो एफ इक्वल्स टू एम डी बी अपॉन डी टी प्लस जीरो, तो एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, तो ये है। ठीक है, उतार, जो हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर जो प्रूफ करने वाले वो इस मेथड से प्रूफ करने वाला। ठीक है ना, और जो रॉकेट रॉकेट मैकेनिक्स से सब पढ़ना है वो इस मतलब इस फॉर्मूले से पढ़ना है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, एक्चुअल है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब मोशन को समझने के लिए, एक और चीज़ हमको समझना होगा। अब सबसे पहले इसका लिमिटेशन हम लोग देख लेते हैं ना, लॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ
लिमिटेशन ऑफ लॉज ऑफ मोशन। अब इसका लिमिटेशन क्या है लॉज ऑफ मोशन का? लॉज ऑफ मोशन का पहला लिमिट, इसका लिमिटेशन है इट इज इट होल्ड होल्ड्स इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, वो मतलब इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड होता है, ठीक है, नॉन इनर्शियल के लिए वैलिड नहीं होता है। तो हम लोग को सबसे पहले इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग समझ, क्लास 11 हम लोग पढ़ चुके हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है ना। तो एक बार फिर से ओवरव्यू हम लोग देख लेंगे उसका। ठीक है, पहला लिमिटेशन ये है, ठीक है, तो ये वेरिएबल मास सिस्टम के लिए फिर नॉन एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज है इसका उतार लो। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस देख लेते हैं। सब हम लोग क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो मोशन होता है वो कैसा क्वांटिटी होता है, रिलेटिव क्वांटिटी होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता है। ठीक है, अब ये जो टर्म है, ये जो सेंटेंस है, अब ये सेंटेंस को समझने के लिए हम लोग को फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझना जरूरी है कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस देख लेते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ठीक है, मोशन क्या है? रिलेटिव क्वांटिटी है, मीन्स ये जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि वो किस फ्रेम से ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहा होगा तो उसका मतलब वो मतलब कॉन्स्टेंट उसका फिर उसका मोशन हो गया। फिर नॉन इनर्शियल से ऑब्जर्व कर रहा है तो उसका मोशन हो गया, दोनों का मोशन अलग अलग होगा। ठीक है, तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है मोशन क्या है। एक पर्सन के लिए मोशन अलग हो सकता है, दूसरा पर्सन के लिए मोशन अलग हो सकता है। ठीक है ना, तो वो चीज़ होता है कि मोशन क्या है, रिलेटिव क्वांटिटी है वो, मतलब हाँ रिलेटिव क्वांटिटी है। तो वो चीज़ सबसे पहले हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझते हैं हम लोग। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, कि ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जर्वर कहाँ से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है ना। तो वो हम लोग ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो चीज़ है, ठीक है ना, कि ऑब्जेक्ट को कहाँ से वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो वही उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। ठीक है, इट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वर
ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जर्वर कहाँ से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, तो क्या कहलाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है, ठीक है, उदाहरण ठीक है। अब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो दो टाइप्स का हम लोगों सिलेबस में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक होता है इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल, और एक दूसरा होता है नॉन इनर्शियल, अब ये जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, अब ये जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो ये क्या होता है कि जिसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड होता है तो उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं ना, न्यूटन्स लॉ होल्ड गुड, ठीक है, और इसको बोलते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन एक्सीलरेटिंग, नॉन एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स लॉ नॉट एप्लीकेबल, न्यूटन्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, तो इसको एप्लीकेबल बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सूडो फोर्स का यूज करते हैं, ठीक है ना, सूडो फोर्स का हम लोग इसमें यूज करते हैं इसको एप्लीकेबल मतलब बनाने के लिए, ठीक है ना, वैलिड करने के लिए, तो ये हो गया पहला, इसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, तो ये चीज है, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड होता है, नॉन इनर्शियल जिसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होता है, और सेकंड इसको मतलब नॉन एक्सीलरेटिंग फ्रेम बोलते हैं और इसको एक्सीलरेटिंग फ्रेम बोलते हैं, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे मेरे पास, अच्छा हेलो काम, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे मेरे पास दो फ्रेम है, एस फ्रेम इस डैश्ड फ्रेम, ठीक है, और ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वी वेलोसिटी से, जो कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये कांस्टेंट इसका मतलब वेलोसिटी है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मीन्स मतलब इसमें एक्सीलरेशन क्या है, जीरो, ठीक है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इसके रिस्पेक्ट में ये नेगेटिव वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये सब जो दोनों फ्रेम हो गया, ये सब कैसा फ्रेम हो गया, इनर्शियल फ्रेम हो गया एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है, तो इसमें ऐसा हो गया, ठीक है ना, अब दोनों का जो कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, दोनों का कोऑर्डिनेशन होता है या दोनों का जो रिलेशन होता है वो लोग को बताने के लिए हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पढ़ते हैं, तो वो जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन है वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पोर्शन है, बहुत अच्छा से उसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है, तो ये होता है इनर्शियल फ्रेम, तो न्यूटन्स लॉ इसमें एप्लीकेबल होता है बहुत अच्छा से, ये हो गया, ठीक है, लिख लीजिए, और एक
होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसमें जो होता है, जो वेलोसिटी हो गया, ये जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल होता है, वेरी करता है, ठीक है। वेलोसिटी क्या करता है, वो वेरी करता है टाइम के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब जब ये वेरी कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्सलेट कर रहा है ना, इसका इसका क्या हो रहा है, इसका एक्सलेशन हो रहा है, इसका एक्सलेशन हो रहा है। अब इसका जो इसका एक्सलेशन हो रहा है, अब इसका एक्सलेशन हो रहा है तो इसका मतलब ये मतलब इससे भी एक्सलेशन हो रहा है, ठीक ना। मतलब जब ये इसको देखेगा तो इसको क्या लगेगा कि ये भी एक्सलेट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। अब सबसे पहले हम लोग ये समझना है कि न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल से किस रीजन से नहीं होता है। अब जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक कोई लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है, लड़का खड़ा हुआ है, और एक यहाँ पे एक कार है, ठीक है, और यहाँ पे एक और लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है, और ये ए से एक्सलरेट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो लड़का ए और ये बी है लड़का, ठीक है। अब ये जो लड़का बी है, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है, ये भी एक्सलरेट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो अब इसका जो एक्सलेशन हो रहा है, तो जब ये इसको देखेगा तो इसको लगेगा कि ये तो एक्सलेट कर रहा है, ठीक है ना, वो एक्सलेट कर रहा है, हाँ, तो इसको मतलब ये सब कुछ पता कर लेगा, हाँ, इसका जो मैकेनिक्स हो गया, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, जो यहाँ पे मैकेनिकल फोर्स सब लग रहा है, तो उसके कारण ये एक्सलेट कर रहा है, इसके लिए मतलब ये ठीक है। पर जब ये इसको देखेगा तो इसको क्या लगेगा कि इसका जो एक्सलेशन हो रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है इसका एक्सलेशन, और इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, अब इसे फोर्स नहीं लग रहा तभी भी एक्सलेट कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे मतलब न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं करता है। अब किस रीजन से नहीं करता है, न्यूटन न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ बोलता है, क्या बोलता है, जो एफ इक्वल्स टू एम ए बोलता है, कि कोई ऑब्जेक्ट तभी एक्सलेट कर सकता है जब उस पर कोई फोर्स लगता है। अब इस पर तो कोई वैसा फोर्स नहीं, कोई नहीं फोर्स लग रहा है ये डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसमें फोर्स नहीं लग रहा और एक्सलेट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब ये जो है मतलब न्यूटन्स लॉ इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, कि मतलब इसे फोर्स नहीं लग रहा है और ये एक्सलेट कर रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो इसीलिए न्यूटन्स लॉ इस पे वैलिड नहीं होता है, समझा गया ना, कि नॉन इनर्शियल के लिए न्यूटन्स लॉ वैलिड एप्लीकेबल नहीं होता है, कि इसमें ऑटोमेटिक मतलब ऑपोजिट फोर्स लगता है, ठीक है, मतलब फोर्स सॉरी एक्सलेशन लगता है विदाउट फोर्स, ठीक है। तो ये चीज है, लिख लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा नॉन इनर्शियल और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का खत्म हो गया, ठीक है। तो हम लोग का फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंप्लीट हो गया, और हम लोग ये भी देख चुके हैं कि मतलब जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है वो इसमें नॉन इनर्शियल के लिए मतलब एप्लीकेबल किस रीजन से नहीं होता है, ठीक ना, क्यों क्या होता है कि मतलब उस पर विदाउट फोर्स उस पर एक्सेलरेशन होने लगता है नॉन इनर्शियल में, क्योंकि मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है कि एक जो फ्रेम होता है, ठीक ना, जो जहाँ से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है तो क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, ठीक ना, एक्सेलरेशन होता है उसका, तो वहाँ पर मतलब फिर जब वो ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसको लगता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है विदाउट एनी फोर्स, ठीक है। तो इसीलिए मतलब उस पर एप्लीकेबल नहीं होता है, कि मतलब कैसे हो गया कि मतलब न्यूटन्स लॉ बोलता है जब तक ऑब्जेक्ट फोर्स नहीं लगता है तब तक एक्सेलरेशन नहीं होता है, ठीक है ना, तो इसीलिए मतलब उस पर विदाउट एनी फोर्स वो एक्सीलरेट कर रहा है, तो इसीलिए वो एप्लीकेबल उसमें नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग का लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट हो गया। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को कुछ मैथमेटिकल वेक्टर सब समझ मतलब मैथमेटिकल फिजिक्स हम लोग को समझना होगा पहले। सबसे पहले है इसको हम लोग बोलते हैं डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर, ठीक है, और सब मैथमेटिकल फिजिक्स का, ठीक है, ये डेल ऑपरेटर, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, पर हाँ लॉज मतलब लॉ ऑफ वेक्टर को वैलिड करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका जो वैल्यू होता है, ये जो होता है वो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स इतना आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है, तो ये होता है डेल
और ये आई जे के क्या है, वो यूनिट वेक्टर है, ठीक ना। तो ये होता है पार्शियल पार्शियल डेरिवेटिव या डेल ऑपरेटर, ठीक है। अब इसका तीन एप्लीकेशन होता है, तीन एप्लीकेशन। अब वो जो एप्लीकेशन होता है वो क्या है, इसका जो थ्री एप्लीकेशन होता है वो क्या है, ग्रेडियंट। डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और लास्ट कर्ल, ठीक है। ये तीन चीज होता है। अब इसका ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल क्या है वो अभी देखेंगे। उतार लीजिए। ठीक है, पहला चीज था ग्रेडियंट, फर्स्ट ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट क्या है यहाँ पे, जैसे मेरे पास एक फाई है, ठीक ना, इसको फाई बोलते हैं, ठीक है, ग्रीक वर्ड है। अब ये जो फाई है ये मेरे स्केलर क्वांटिटी, स्केलर है, स्केलर है, ठीक ना। अब ये जो फाई स्केलर है तो डेल बीच में कुछ नहीं है, ठीक ना, डेल इंटू फाइव ये मेरा ग्रेडियंट कहलाता है, इसी को हम लोग ग्रेडियंट बोलते हैं। और ये स्केलर, ये क्या स्केलर है, अब स्केलर है तो इसका जो वैल्यू हम लोग ऐसा रखते हैं, डेल फाइव अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल फाइव अपॉन डेल वाई जी। ठीक है, तो ये मेरा ग्रेडियंट हो गया, इसको हम लोग ग्रेडियंट बोलते हैं, इसको ग्रेडियंट बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ग्रेडियंट ये हो गया। इसमें क्या है कि जो फंक्शन हो गया, फंक्शन एंड प्रोडक्ट, इसका जो प्रोडक्ट हुआ दोनों क्या है, स्केलर है, ठीक है। हो गया। अब दूसरा, दूसरा क्या है, दूसरा क्या था, डायवर्जन, डायवर्जेंस। अब डायवर्जेंस क्या है कि जैसे मेरे पास कोई बी वेक्टर है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, बी क्या है, वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसका मतलब इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, ठीक ना। तो बी वेक्टर हो गया मेरे पास। अब जो बी इंटू बीच में प्रोडक्ट है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है, बी डेल डेल डॉट बी, डेल डॉट बी ये मेरा कहलाता है डाइवर्जेंस, ठीक है। तो ये चीज हो गया। तो इसमें जो फंक्शन होता है, ठीक ना, फंक्शन, फंक्शन कैसा है, फंक्शन इसके, फंक्शन जो है इसमें वेक्टर है, फंक्शन वेक्टर हो गया एंड जो प्रोडक्ट हो गया वो स्केलर हो गया मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी है वो क्या होगा, बी एक्स बी वाई, ये वेक्टर है तो इसका मतलब कंपोनेंट होगा एक्स वाई और जी में, बी जेड, ठीक है। तो ये हो गया, इसी को हम लोग डाइवर्जन, इसको डाइवर्जेंस बोलते हैं, तो इसका यूज आने वाला है, ठीक ना। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा, चल ठीक है, उतार लीजिए। ठीक है, अब जो तीसरा है, तीसरा कर्ल है, तीसरा कर्ल है। अब कर्ल क्या होता है, अब इसमें जैसे बी वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे जो क्रॉस प्रोडक्ट, डेल ऑपरेटर क्रॉस
बी वेक्टर, तो इसी को हम लोग कर्ल बोलते हैं, इसी को हम लोग कर्ल बोलते हैं, ठीक है, इसी को कर्ल बोलते हैं, पक्का। अब यहाँ पे ये जो होता है, इसका जो प्रोडक्ट होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है इसका, हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट जैसे क्लास 11th पढ़ चुके थे ना मैथमेटिकल फिजिक्स में, तो इसमें वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, यहाँ पे आई जे के, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, डेल अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जी। अब यहाँ पे बी बी एक्स बी वाई बी जेड, ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट जो होता है वो हम लोग ऐसे डिटर्मिनेशन से निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो उतार लें, ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन हम लोग देख लें। एक जो जो डेल डेल ऑपरेटर होता है उसका तीन एप्लीकेशन होता है, कौन कौन से, एक डाइवर्जेंस होता है, कर्ल होता है और एक ग्रेडियंट होता है। अब इसमें हाँ, जो कर्ल होता है ना, तो इसमें फंक्शन एंड प्रोडक्ट दोनों क्या होता है, वेक्टर होता है। इसको इसको सॉल्व करने से हम लोग क्या मिलता है, वेक्टर ही मिलता है, तो इसका प्रोडक्ट भी क्या हो गया, वेक्टर हो गया। फंक्शन एंड प्रोडक्ट वो कैसा हो गया, वेक्टर हो गया, ठीक है, तो ये चीज है, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम क्या है, अब ये जो हम लोग ये जो है इसके बेसिस पे क्लास मत क्लास सॉरी यूपीएससी जो 2019 में पूछा एक क्वेश्चन, ठीक ना, कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये सब पूछा, इसका डेरिवेशन पूछा, सॉरी, ठीक है, 2019 में। तो अब क्या है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखते हैं, ठीक ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हम लोग को पता है सेकेंड लॉ से, सेकेंड लॉ क्या बोलता था कि जो एफ जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था डीवी अपॉन डीटी का, ठीक है, तो ये चीज है। अब इससे कांस्टेंट हम लोग लेके उसका जो वैल्यू वन पुट करके यहाँ पे क्या आ जाता था, इक्वल, ठीक ना। अब यहाँ पे बोलता है कि इफ एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू जीरो, अब यहाँ पे क्या है, जब एफ एक्सटर्नल फोर्स के जिसमें जीरो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो डीपी अपॉन डीटी इक्वल्स टू ये जीरो हो जाता है, ठीक ना। अब इसको ये साइड जीरो लेके जाने से क्या होगा, डीपी इक्वल्स टू जीरो मींस यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि मतलब जो चेंज इन मोमेंटम है वो क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक ना, चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसका मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम जीरो होने का मतलब ये चेंज अब नहीं होगा, अब ये चेंज नहीं होगा, ये कॉन्स्टेंट ही रहेगा। तो यहाँ पे P कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है, तो यही हो गया मेरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, तो लिख लीजिए। ठीक है, हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, डेल पी अपॉन डेल टी इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से ये जब जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे डेल पी इक्वल्स टू जीरो, डेल पी मीन्स डेल फाइनल माइनस डेल इनिशियल इक्वल्स टू जीरो, तो डेल एफ इक्वल्स टू सॉरी पी आई इक्वल्स टू, ठीक है, तो ये हो गया कि जो फाइनल मोमेंटम होगा वो किसके बराबर होगा, इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा, कब, जब एफ एक्सटर्नल जीरो होगा तब, ठीक है, हो गया। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है वो देखना है। इफ ऑल द फोर्सेस फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या वो भी देखने वाले हैं। इफ ऑल द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव देन टोटल टोटल एनर्जी एनर्जी रिमेन कॉन्स्टेंट। ठीक है, जब हम लोग का जो फोर्स होगा वो कैसा फोर्स होना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो क्या होगा, जो टोटल एनर्जी हम लोग का हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो इसका डेरिवेशन अभी देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझना कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। तो कंजर्वेटिव फोर्स समझना पहले क्वेश्चन हो गया। कंजर्वेटिव फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स सबसे पहला चीज क्या है, इसका जो वर्क डन होता है, ये फोर्स का जो वर्क डन होता है, ठीक है ना, वर्क डन इज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ठीक है ना, इसका जो वर्क डन होता है ये फोर्स का, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन पे। इसका जो पाथ होता है वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजिशन पे डिपेंड करता है। मीन्स बोलने का मतलब, यहाँ पे जैसे मेरे पास ए है और यहाँ पे मतलब बी है, ठीक है ना, मीन्स मेरे पास एक कोऑर्डिनेट ए है और यहाँ पे एक बी है, ठीक है ना, तो पोजिशन एक ए और बी पोजिशन। अब यहां से एक वर्क डन का ये हो गया और एक दूसरा वर्क डन ऐसा हुआ, एक तीसरा ऐसा हुआ, ठीक है ना। तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे W1, W2, यहाँ से W3, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो जो कंजर्वेटिव फोर्स होगा, तो इसका वर्क डन क्या होगा, W1 equals to W2 equals to W3, ठीक है। तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता कि वो कैसा पाथ पे गया, ठीक है, तो वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजिशन पे, ठीक है, उसका इनिशियल फाइनल पोजिशन कैसा है सो, ठीक है। तो ये चीज पहला पहला ये हो गया कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। और जो दूसरा हो गया बी, कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू जीरो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कर्ल ऑफ वो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जीरो होना चाहिए, तब वो कैसा फोर्स होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा, ठीक है। कर्ल हम लोग समझ आ गया था ना, ये जो डेल ऑपरेटर और इनटू यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं किसका, मतलब डेल ऑपरेटर और इसका बीच में, तो उसको कर्ल बोलते हैं, ठीक है ना। तो कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तीसरा डायवर्जेंस ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ सॉरी जो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हम लोग बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रेडियंट ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो ये होता है तीसरा चीज। अब इसका यूज करके हम लोग किसको प्रूफ करने वाले हैं, कंजर्वेशन मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, ठीक है। तो ये चीज हो गया, जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो किस पे, उसका क्राइटेरिया क्या क्या होता है, पहला दूसरा और तीसरा। पहला जो वर्क डन होता है वो किस पे पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, और दूसरा क्या होता है कि जो कर्ल ऑफ जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, शून्य मीन्स जीरो होता है। और जो जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये चीज होता है, हो गया। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, उसका तो स्टेटमेंट हम लोग देख चुके थे ना, तो अब इसमें क्या देखना है, अब इसका जो मतलब डेरिवेशन इसका क्या है, तो अब वो देखना ठीक ना। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट ऐसा करके गया ठीक ना, ए से बी में गया ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका जो डिस्प्लेसमेंट डी एस हुआ यहाँ पे, और इसमें जो फोर्स है वो भी एफ लगा ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो स्मॉल वर्क डन होगा, स्मॉल वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ठीक है, पक्का ये चीज हो गया। अब यहाँ पे जो वर्क डन होगा, वर्क डन ए टू बी, यहाँ पे वर्क डन ए टू बी क्या होगा, यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे फोर्स, फोर्स को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एम इंटू ए इंटू डी एस ठीक है। अब यहाँ पे जो ए है, ए को हम लोग क्या लिखते हैं, एक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी होता है ठीक है, एक्वल्स टू क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी होता है। तो यहाँ पे रख देना उससे एम डी वी अपॉन डी टी इंटू डी एस। अब ये क्या है, डी वी अपॉन डी टी डी एस इंटू, मतलब डी एस इंटू डी डी टी क्या है, अब ये मेरा वेलोसिटी है पता है ना, ये वेलोसिटी है, तो एम वी इंटू डी वी ठीक है, उतार ले ठीक है, एम वी इंटू डी वी हो गया। जो वर्क डन ए बी है वो क्या है, एम वी इंटू डी वी। अब जो वेलोसिटी है वो कहाँ, इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी ठीक है, तो एम कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो इसका इसका जो होगा इंटीग्रेशन क्या होगा, बी स्क्वायर बाय टू ठीक है, फ्रॉम यू टू बी ठीक है। तो इससे क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर ठीक है। तो ये मेरे काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आ गई मेरे पास, वर्क डन ऑफ ए टू बी पहला ठीक है, उतार ले। ठीक है पहला ये आ गया। अब दूसरा, अब पहला इक्वेशन ये आ गया, अब पहला इक्वेशन हम लोग साइड में पहले लिख लेते हैं के फाइनल माइनस के इनिशियल ठीक है। अब यहां पे अब दूसरा देखना है, अब दूसरा में क्या है, अब हम लोग पता है, अब हम लोग जो ये जो हम लोग यहाँ पे जो फोर्स ले रहे हो, कैसा फोर्स ले रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स ले रहे हैं ना, तो कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग का देख चुके हैं, हम लोग क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स का, हम लोग ऐसा भी ले सकते हैं ना, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ठीक है। अब यहाँ पे अब इसका जो ग्रेडियंट का जो डेल है वो डेल क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ठीक है ना, ये है ये चीज है ना, तो यहाँ पे रख दो, यहाँ पे ठीक है। अब ये साइड को ये साइड भेजने से ठीक है, अब ये क्या है मेरे पास, ये तो वर्क डन है, वर्क डन है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन है मेरे पास, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इक्वल्स टू, अब इसका जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग यू आई ले लेते हैं और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यू एफ ले लेते हैं ठीक ना, पक्का। तो यहाँ पे यू इनिशियल टू यू फाइनल इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ यू फाइनल प्लस यू इनिशियल इज सेकेंड, दिख रहा है ना, एक मिनट ठीक है, ये हो गया। अब जो पहला इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन क्या था, वर्क डन इतना इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, और ये था सेकंड यू इनिशियल माइनस यू फाइनल ठीक है। अब ये सब क्या, वर्क डन दोनों के बराबर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, के फाइनल माइनस के इनिशियल इक्वल्स टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल ठीक है। अब इसको ये साइड भेजने से के फाइनल प्लस यू फाइनल यू इनिशियल प्लस के इनिशियल
ये क्या जो काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी फाइनल इक्वल्स टू ये टोटल एनर्जी इनिशियल प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, मतलब जो टोटल एनर्जी होता है ना कंजर्वेटिव फोर्स का, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है ना, मतलब कंजर्व रहता है, ठीक है। हो गया, लिख लीजिए। अब जो 2019 में, अब जो 2019 में आया वो क्वेश्चन है, ठीक है ना, 2019 18 देखना होगा, ठीक है ना। तो अब उस पर क्या क्वेश्चन हम लोग यूपीएससी से पूछा था, एक मिनट देखने दो। तो 2019 में हो गया, क्वेश्चन लिख लेते ना, क्वेश्चन लिख देते यहाँ पे। अब वो फिर अपने से कर लेना है, दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पूरा डेरिवेशन ही है, इसी का डेरिवेशन है और कुछ नहीं। टू थाउजेंड नाइनटीन का सेक्शन सेक्शन ए का सेकंड क्वेश्चन था शायद, याद नहीं आ रहा, पर वही हो सकता है, ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन हो सकता है उसका 2019 का, ठीक है। प्लीज नोट कर, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे 2019 का क्वेश्चन, राइट ऑन एक मिनट, सॉरी, 2013 में आया था, 2013 में, सॉरी 19 में, 13 में, 2013 में पूछा था, 2013 में पूछा था, जो क्वेश्चन टू का ए पूछा था, इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, इन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल आर कंजर्वेटिव शोज दैट टोटल
एनर्जी टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विच इज सम ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर कंडेंसड। ठीक है, तो 2013 में यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछा था, इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल आर कंजर्वेटिव। ठीक ना, जो फोर्स होगा पार्टिकल पे वो कैसा फोर्स होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। शोज दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विच इज सम ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर कंजर्व। ठीक, तो ये चीज़ पूछा था। अब सबसे पहले हम लोग क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बताना है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। ठीक ना, जो प्रीवियस क्लास में हम लोग मैंने बता चुका था। ठीक ना, क्या होता था कि मतलब जो वर्क डन होता था कंजर्वेटिव फोर्स का, वो इंडिपेंडेंट होता था पाथ पे। ठीक, पहला चीज। अब सेकंड, जो कर्ल होता था वो कंजर्वेटिव फोर्स का वो जीरो होता था, और कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर था, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो वो मेरा कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग पहले सबसे पहले लिखना है। कंजर्वेटिव फोर्स लिखने के बाद हम लोग को फिर ये डेरिवेशन करना है। ठीक है, जो पिछला जो मतलब वो जो था ना डेरिवेशन, इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, तो वो डेरिवेशन पूरे यहाँ पे कर देना है। ठीक है, तो ये 20 मार्क्स का पूछा था, 20 मार्क्स। ठीक है, तो ये चीज़ था। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।